हाय दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ क्रिएटिविटी राजसीमा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाएंगे आटे के बिस्किट, वो भी घर पे बहुत ही आसान तरीके से। तो उसके लिए चाहिए हमें एक बाउल देसी घी, एक बाउल पाउडर शुगर। आप क्वांटिटी जो है, अगर इसे डबल करना चाहते हैं तो इसी की मात्रा को डबल कर लेना है। अच्छे से मिक्स करें इसको, अच्छे से मिक्स करना है कि ये एकदम से फूल जाना चाहिए ये मिक्सचर, इतना आपने इसको मिक्स करना है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए इतना हमने मिक्स किया है कि ये इसकी जो क्वांटिटी है वो डबल हो गई है ऐसे फूल करके। बहुत ज़्यादा आपने इसको बैटर को आपने मिक्स करना है। नाउ अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कटोरी आटा। मेज़रमेंट वाला जो भी बर्तन आप लेंगे वो एक ही रखना है। अब इसको हम इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। नाउ हम इसमें ऐड करेंगे कोकोआ पाउडर और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेकिंग सोडा। इसको अच्छे से छान लेना है ताकि इसमें जो है कोई चीज़ अंदर चली ना जाए पाउडर को। अच्छे से आपने छान लिया। हल्का सा इसमें हम नमक ऐड करेंगे और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये सारा मिक्सचर अच्छे से तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध, 1/4 बाउल जो कह लो। तो उसके बाद हमने इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है अगेन। तो इस तरीके का हमारा एक डो तैयार हो जाएगा, बिल्कुल टाइट सा। फिर आप उसके छोटे छोटे गोले बनाएं, जो आपकी माइक्रोवेव वाली ट्रे होती है जो हम कन्वेक्शन में रख सकते हैं, उसके ऊपर आपने फॉइल पेपर लगाना है। ऐसे पीसेस को रख के उसके ऊपर आप कोई भी डिज़ाइन दें और उसके बाद आपने माइक्रोवेव को 180 डिग्री पे प्री हीट करके इसको 15 मिनट के लिए आपने बेक करना है। सो 15 मिनट के बाद आपकी जो कुकीज़ हैं, बिस्किट हैं, इस तरीके से तैयार हो जाएंगे। और मेरा एक दो जो कुकिंग है थोड़ी सी जल गई है, तो आपने जो बेकिंग टाइम है वो थोड़ा सा कम कर लेना है। मैंने 15 मिनट दिए, आप इसको 13 मिनट करें। चलिए अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट में ये बहुत ही लाजवाब बनी है, आप भी इसको घर पे ट्राई करें।